वेलकम अगेन। हम लोग इस क्लास में नाउन को पढ़ रहे थे और नाउन के कुछ ट्रिक्स को सीखे थे। उस ट्रिक्स को मैं दोबारा आप लोगों को रिवीजन करवाता हूं। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद आगे के ट्रिक्स को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन होता है। ओके, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को। सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन होता है। एक बात याद रखें, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का सबसे हाई डिग्री इसको कहा जाता है, हाईएस्ट डिग्री। ओके, उसके बाद हम लोग जाने थे कि वन ऑफ द के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो नाउन हो जाता है प्लूरल। ओके, सुपरलेटिव डिग्री के एक स्टेप पीछे आकर के देखिए कि क्या है। यदि वन ऑफ द है तो नाउन होना चाहिए प्लूरल। ओके, और तीसरा ट्रिक जो कि मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है कि वन ऑफ द के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री है और नाउन प्लूरल होना चाहिए लेकिन वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। इन सारी चीजों को मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में अपलोड करा है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, चौथे नंबर पे हम लोग जाने थे क्या ईच एवरी आइदर एनी इन सब के बाद नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे ये देखते हुए कि ईच एवरी आइदर इसके बाद यदि ऑफ द नजर आ गया तो नाउन होना चाहिए प्लूरल लेकिन वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। और इसमें इस ट्रिक से मैंने कॉमन बात भी आप लोगों को बताई थी। वो कॉमन बात क्या था कि ऑफ द के बाद नाउन हर हाल में प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, ये जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके बाद हम लोग जाने थे क्या कि यदि दो सेम वर्ड के नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं, सेम वर्ड के नाउन होने चाहिए। अगर यहाँ पर स्कूल है तो यहाँ पर भी स्कूल होना चाहिए, यहाँ पर्सन है तो यहाँ पर भी पर्सन होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। और लास्टली हम लोग जाने थे क्या कि दो नाउन साथ साथ नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में नाउन से पहले वाले नाउन को गलत माना जाता है, उसको एडजेक्टिव करके आप सुधार कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग देखते हैं। ओके, आठवां है ना, जब दो नाउन की मीनिंग आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती है तो वैसी स्थिति में लास्ट वाले नाउन को गलत मानते हैं। अब ओवरलैप करने की मीनिंग क्या होती है इसको जानते हैं। ही इज माई कजन ब्रदर, मीनिंग सही है। आप लोग भी बोलते हैं कई बार ऐसा, ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर। ओके, तो एरर क्या है, कजन का ही मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। ऑलरेडी इसमें भाई या बहन इंक्लूडेड है तो अलग से ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है। कजन का ही मतलब हो जाता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। ओके, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। ओके, तो इसमें अलग से ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैं कुछ और ऐसे नाउन की चर्चा करता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे आप लोग इल का मतलब समझते हैं बीमार, जी नहीं, इल का मतलब बीमार ना होकर के होता है बीमार व्यक्ति या बीमार प्राणी। ओके, और अगर आप इल का एडजेक्टिव बना लें, इसके जस्ट पहले वाले ट्रिक की बात करें, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
इल का यदि आप एडजेक्टिव बनाना चाहें तो इल का एडजेक्टिव होता है एलिंग, इसका मतलब होता है बीमार। सिमिलरली कोवर्ड, कोवर्ड का मतलब कायर ना होकर के कायर इंसान होता है, कायर इंसान जो कि एक नाउन है। आप इसमें एलवाई लगाकर कोवर्डली बनाकर इसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। ठीक उसी तरह है एक फूल, फूल मतलब मूर्ख ना होकर के मूर्ख इंसान होता है, मूर्ख इंसान जो कि एक नाउन है। ओके तो इसकी एडजेक्टिव आप कैसे बनाएंगे, फूलिश। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आएगा। यदि नाउन रखना मजबूरी है तो आप इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। उन नाउन को हमेशा प्लूरल में लिखना होगा और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके मैं दिखाता हूं कुछ कुछ क्लियो आप लोगों को, जैसे सीजर्स, सीजर नहीं कहते, सीजर्स होता है। ओके उसी तरह होता है ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है। उसी तरह से शूज, बाइनोक्यूलर्स, ये सब जो भी नाउन जोड़े में है जिसका सिंगल पीस किसी काम का नहीं रहता, उन सब नाउन को हम लोग कहते हैं पेयर पार्ट्स ऑफ नाउन। ओके तो ये नाउन हर हाल में प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए और इसके बाद यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ओके चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल को। Where is my shoe? मेरा जूता कहाँ है? मीनिंग बिल्कुल सही है लेकिन ग्रामेटिकल एरर है इसमें। क्या एरर है? शू तो कभी होता ही नहीं है, आपको इसको शूज बनाना ही होगा। और शूज जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके गिव मी बाइनोक्यूलर, मुझे दूरबीन दो, ये गलत हो जाएगा। गिव मी बाइनोक्यूलर्स होने चाहिए। आई होप यू आर क्लियर नाउ। इसके अलावे जो हम लोग आज एक ट्रिक की बात करेंगे अभी, वो अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। ओके उसे यदि समझ गए तो 90% नाउन आप लोगों का क्लियर है। ओके देखते हैं ट्रिक नंबर 10। इसे हम लोग कहते हैं नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन नेचर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, दैट मीन्स लास्ट में एस या ईएस लगा होता है, लेकिन ये प्रकृति में नेचर में सिंगुलर होते हैं। ओके ऐसे कौन कौन से नाउन है, इसकी कलेक्शन इसकी टेबल में आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें एंड प्रॉपर वे में इसका नोट्स बनाते चले। ओके कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, जैसे मैंने कहा मैथ्स, देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है ना प्लूरल फॉर्म में। मैंने कहा फिजिक्स, मैंने कहा इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सब प्लूरल फॉर्म में। ओके कुछ डिजीज के भी नाम है, मैंने कहा मीजल्स, मम्स, एड्स,
ये सब कुछ डिजीज है, रिकेट्स। ओके, इसके अलावा कुछ बुक्स के नाम है, मैंने कहा अरबियन नाइट्स, मिडनाइट ट्रेवलर्स, ये सब कुछ बुक्स के नाम है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये सब बुक्स के नाम है। इसके अलावा कुछ प्लेसेस के नाम है, जैसे मैंने कहा आल्प्स, जैसे मैंने कहा एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ओके, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड नहीं होता है फ्रेंड्स, नीदरलैंड्स होता है, ओके। तो ये हमारे पास में कुछ कलेक्शन है जो कि दिखने में है प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। इसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स भी हैं, इसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स भी हैं, जैसे मैंने कहा न्यूज, लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं, ये है सिंगुलर, ओके। इसके अलावा क्या, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, सेविंग्स, बचत खाता को सेविंग अकाउंट ना करके, ना कह करके सेविंग्स अकाउंट कहा जाता है, तो ये सब कुछ अदर वर्ड्स हैं। अब जानते हैं क्या, फिर से रिपीट करके बताता हूं कि ये सब सिर्फ दिखने में प्लूरल है, नेचर में प्लूरल नहीं है। अच्छा, नेचर में प्लूरल नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका साफ साफ मतलब है कि इसके बाद आने वाला वर्ब हर हाल में सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको, इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। अगर मैंने कहा मीजल्स आर अ फैटल डिजीज, मीजल्स आर अ फैटल डिजीज, जो कि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन या एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन, ओके, मीजल्स एक घातक बीमारी है, मीनिंग सही है लेकिन एरर है क्या, मीजल्स आपको लास्ट में एस नजर आ रहा है इसमें तो लग रहा होगा कि ये प्लूरल है लेकिन होता है ये सिंगुलर। अच्छा, एक और विशेष बात, इस हेल्पिंग वर्ब में सुधार करने के बावजूद भी इसमें एक और एरर है, वो एरर क्या है उसको भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज में आप लोगों को दे रहा हूं, मीजल्स, मीजल्स, मम्स, प्लेग, फ्लू, गाउट, मीजल्स, मम्स, प्लेग, फ्लू, गाउट, बस दुनिया में यही पांच रोग हैं जिनके जस्ट पहले द का यूज होता है और कोई रोग नहीं, बस यही पांच रोग हैं जिनके जस्ट पहले हमेशा द का यूज होना चाहिए, तो इस मीजल्स, मीजल्स जो है बिना द का अधूरा है, आपको इसके पहले द लगाना होगा, तो ऐसे भी एरर दे दिया जाता है, आर्टिकल का प्रॉब्लम है, ओके। आर्टिकल को हम लोग किसी अगले क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग नाउन की ओर चल रहे हैं, बीच में ध्यान में आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक खतरनाक ट्रिक आप लोगों के सामने, वैसे सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में आरवाई लगे वो वर्ड्स नाउन होते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं इस चीज को, और ये कैसा नाउन होता है, ये सारे के सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ कुछ को छोड़कर, जैसे मैंने कहा कंट्री, कंट्री काउंटेबल है, फैक्ट्री ये काउंटेबल है, तो ये कुछ कुछ अपवाद है, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में आरवाई लगे हो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर,
अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो नेचर में सिंगुलर होते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। जब नेचर में सिंगुलर है तो इसके बाद यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। अगर मैं कहता हूं द सीनरीज ऑफ कश्मीर, वेरी ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। कश्मीर के दृश्य बड़े ही मनमोहक है या खूबसूरत है, मीनिंग सही है, लेकिन एरर है क्या? सीनरी का प्लूरल आप नहीं बना सकते, सीनरी का प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। और ये भी एरर, इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसमें पोएट्री भी शामिल है, पोएट्री लास्ट में आरवाई लगा हुआ है, क्रोकरी लास्ट में आरवाई लगा हुआ है, तो ये सब के सब सिंगुलर नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, सिमिलरली ट्रिक नंबर 11 में हम लोग कुछ ऐसी और चीजों को जानते हैं। वैसे सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में लगा हुआ हो एज वो नाउन होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं। ओके, ब्लॉकेज, लीकेज, पैकेज। ओके, इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है, पैसेज और मैसेज को छोड़ करके, पैसेज और मैसेज को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एज लगा हुआ है वो हर हाल में अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, यानी उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहता हूं योर लगेजेस आर सो हैवी, तुम्हारे सामान बहुत भारी है, मीनिंग सही है लेकिन एरर है, क्या एरर है? लगेज का लगेजेस आप नहीं बना सकते, और इसके साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, चाहे मेन वर्ब की जरूरत पड़े तो मेन वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो ये रहा नाउन का आप लोगों का दो पार्ट में वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन अलॉट। तीसरे पार्ट में हम लोग कुछ स्पेशल चीजों को जानेंगे तो नाउन खत्म हो जाएगा। ओके, उस वीडियो का इंतजार करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।